Hello friends, welcome to our channel Saggy Skills. In this video we are going to learn overflow. आज हम overflow देखेंगे, CSS की जो property है overflow, आज हम उसको देखेंगे कि overflow कैसे यूज करते हैं, उसके क्या फायदे हैं। तो आइए देखते हैं कुछ examples overflow के, उसके बाद करते हैं practical. तो यहाँ पर हमारे पास में CSS overflow की property हैं चार, एक तो hidden हो गया, scroll, auto और visible. जो हिडन है वो क्या करता है, जब भी आपका कोई डेटा डिव से एक्स्ट्रा बाहर जाता है तो अगर हम हिडन यूज़ करते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा बाहर गया वो हाइड हो जाएगा, छिप जाएगा, मतलब दिखेगा नहीं. स्क्रॉल क्या करेगा, जब हम स्क्रॉल को यूज़ करेंगे तो जब भी कोई डेटा ओवरफ्लो करेगा, डिव से बाहर जाएगा, किसी बॉक्स से बाहर निकलेगा ज़्यादा टाइम होने की वजह से, तो उसके लेफ्ट में और बॉटम, राइट में और बॉटम में एक स्क्रॉल बन के आ जाएगा ताकि आप उसको स्क्रॉल कर सकें ऊपर नीचे. फिर एक ऑटो है, ऑटो में क्या होगा कि अगर टेक्स्ट ओवरफ्लो करेगा, डेटा आपका या कोई इमेज ओवरफ्लो कर जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी डिव से, तो ऑटोमेटिक एक स्क्रॉल आ जाएगा. अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ये ऑटो मोड पे होगा. एक है विजिबल, विजिबल सेम ऐसे ही डिफ़ॉल्ट होता है, अगर ओवरफ्लो हो गया तो वो दिखता रहेगा. तो आइए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली करते कैसे हैं. सो, अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास में बॉडी के अंदर एक हेडिंग है और एक डिव है जिसकी क्लास हमने एक्स वाई जेड दिया हुआ है नाम, और उसके अंदर एक पैराग्राफ है. कंट्रोल से सेव किया, ब्राउज़र में जाते हैं और देखते हैं इसको. तो यहाँ पर ये देखिएगा, एक हेडिंग आ गई और एक पैराग्राफ आ गया हमारे पास में. इसको हम कुछ बॉर्डर वगैरह दे देते हैं. तो CSS फाइल में जाएंगे तो टारगेट करेंगे नेम को डॉट क्लास से एक्स वाई जेड और ब्रैकेट ओपन, और इसको एक बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन. ओके, तो हमने एक बॉर्डर दिया. अब इसको एक विड्थ दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं 300 पिक्सल, और एक फिक्स हाइट भी दे देते हैं. अगर हम किसी डिव की कोई फिक्स साइड दे देते हैं तो अगर उस 400, मैंने इसकी हाइट दी 400, तो अगर हाइट से ज़्यादा टेक्स्ट जाएगा तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा. कंट्रोलर से सेव किया मैंने, ब्राउज़र में गया, ये देखेगा अभी ओवरफ्लो नहीं दिखा क्योंकि टेक्स्ट कम है. अगर मैं टेक्स्ट को ज़्यादा करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, बढ़ाता हूँ तो ये दिखेगा. मैं गया यहाँ पर, इसको कॉपी पेस्ट किया मैंने 2-3 बार, कंट्रोल सी वी कंट्रोल एस किया मैंने और ब्राउज़र में गया तो ये देखिएगा, ये ओवरफ्लो कर गया. ये देखिएगा यहाँ पे, ये देखो एक्स्ट्रा निकल गया क्योंकि हमने हाइट इसकी फिक्स कर दी, हाइट हमने दी हुई है इसकी 400 और टेक्स्ट हमारा 400 हाइट से ज़्यादा जा रहा है. तो अगर हम ये नहीं चाहते कि ये दिखे, विजिबल हो, तो इसको हाइड कर देंगे. उसके लिए प्रॉपर्टी यूज होती है, यहाँ पर जाएंगे हम, लिखेंगे ओवरफ्लो और उसको कर देंगे हिडन और सेमी कॉलम से क्लोज किया मैंने, कंट्रोल एस दबाया. अब जब देखते हैं ब्राउजर में तो ये देखेगा यहाँ पर जो टेक्स्ट हमारा ओवरफ्लो हो रहा है यहाँ पर वो दिखा. अभी दिख रहे होंगे कुछ वर्ड्स आपको, कटी हुई लाइन दिख रही है बीच में से जो, तो अभी वो ओवरफ्लो जो था वो हिडन हो चुका है. अब इसी में एक प्रॉपर्टी और आती है हमारे पास में स्क्रॉल, स्क्रॉल में जब टाइप करेंगे तो क्या होगा कि स्क्रॉल बन के आ जाएगा. ये देखिएगा स्क्रॉल बन के आ गया, ये देखिएगा आप इससे स्क्रॉल से ऊपर नीचे जो हिडन टेक्स्ट नीचे है इसे ऐसे आप उसको स्क्रॉल करने के बाद देख सकते हैं. अभी अगर मैं इसको कर दूँ ऑटो, यहाँ पर देखिएगा मैंने कर दिया ऑटो, ऑटो और कंट्रोल से सेव किया मैंने, ब्राउज़र में गए तो अभी क्या कि ऑटो मोड पे आ गया ये. अब इसका पता कैसे लगेगा कि ऑटो मोड पे आ गया ये, अभी देखेगा. मैं थोड़ा टेक्स्ट कम कर देता हूँ फाइल में, यहाँ से मैं ये टेक्स्ट को यहाँ से थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल एस और ब्राउज़र में गए, ये देखेगा अब हमारा टेक्स्ट जो है वो इसके अंदर अंदर ही है क्योंकि कम टेक्स्ट है हमारे पास में, तो हाइट से आगे नहीं गया, इसीलिए स्क्रॉल बार भी यहाँ से इनविजिबल हो गया. यहाँ पर विजिबल वो दिख नहीं रहा, डिस्प्ले नहीं हो रहा है,
तो डिसअपियर हो, क्यों? क्योंकि हमने ऑटो दिया हुआ है प्रॉपर्टी। अगर मैं उसको कर दूंगा यहाँ पर, मैं करता हूँ इसको कंट्रोल और ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, कंट्रोल सी भी, ये मैंने टेक्स्ट बढ़ाया, अब ऑटो मोड पर है तो ऑटोमेटिक स्क्रॉल आ जाएगा, ये देखिएगा स्क्रॉल आ चुका, तो ये हो गया स्क्रॉल आपका ऐसे आ गया। तो ऐसे आप ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। इसमें तीन प्रॉपर्टी हैं, ओवरफ्लो ऑटो, ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो स्क्रॉल। स्क्रॉल से क्या होगा, यहाँ नीचे भी स्क्रॉल आ जाएगा, अगर आपका राइट साइड में भी टेक्स्ट ज़्यादा जा रहा है, अगर आपका टेक्स्ट राइट साइड में भी ओवर करता है तो आप यहाँ बॉटम से जो आपके पास स्क्रॉल आएगा उससे लेफ्ट राइट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये ओवरफ्लो समझ आ गया होगा हम कैसे यूज़ करते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर एंड लाइक। थैंक यू।